निगार। जी मिसेस जावेदान। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ बोलिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। हिकमत स्टडी रूम में है, उनके लिए कॉफी लेकर जाओ और उनसे कहो कि रिहान को मैंने धक्का दिया था और उसी की वजह से वो गिरकर बेहोश हो गई थी। क्या हुआ, लेकिन क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। निगार, क्या मैं फिर से दोहराऊं? आप ये चाहती है कि कल जो कुछ भी हुआ वो मैं मिस्टर हिकमत से कहूं? तुमने जो देखा वो तुम नहीं कहोगी, तुम उनसे कहोगी कि ये सब तुम्हें रेहान ने बताया है। मिस्टर हिकमत ये सब सुनकर बहुत नाराज हो जाएंगे, और रेहान ने भी तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो फिर हम जाकर ये सब क्यों कहें? निगार, ज्यादा सवाल मत किया करो। मैंने जो कहा है बस चुपचाप वो करो। उनसे सिर्फ ये कहना कि ये सब तुम्हें रेहान ने बताया, समझ गई ना? ठीक है मिसेस जावेदान। मैं रख दिया है सर, मैं बस अभी आता हूँ। जी कॉफी के लिए अब मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे निकलना है निगार। जानती हूँ, पर इसे पीने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कोई प्रॉब्लम है? वो क्या है ना मिस्टर हिकमत, समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे कहूँ। मैं चलती हूँ। रुको, रुक जाओ, मुझे जानना है उस दिन आखिर हुआ क्या था, बताओ मुझे। वो बात ऐसी है कि कल जो मिस रेहान गिर गई थी, मिसेस जावेदान ने उन्हें धक्का दिया था। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? पर यही सच है। जावेदा पे इल्जाम लगा रही हो तुम? नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मिस रेहान ने मुझे ये सब कहा। मैं उनके कमरे में उन्हें दवाई देने गई थी, तब उन्होंने मुझे ये सब बताया। क्या तुम यकीन से कह सकती हो? जावेदा कहाँ है? उससे कहो फौरन मेरे कमरे में आए, फौरन। रेहान झूठ बोल ही नहीं सकती। उम्मीद है ये सिर्फ एक गलत फहमी हो। जावेदा, अगर उसने सचमुच में ऐसा किया है तो